यदि आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है और आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल एवं विशेष सूत्र बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आप अपने घर बैठे बैठे ही अपनी जन्म पत्रिका को देखते ही ये पता कर लेंगे कि आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी। आपको जानकारी दूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। जल्दी शादी होने के विशेष उपाय आपको बताता रहता हूँ। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं वो आपको मिलती रहेंगी और वो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोल कर बैठ जाइए और जन्म कुंडली के अंदर लग्न कुंडली चार्ट को आप देखिए और लग्न कुंडली चार्ट में भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखिए विशेष रूप से। अब जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वहां के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं ये जानना अति आवश्यक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्तम भाव होता कौन सा है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एक जन्म कुंडली के चार्ट को आप देख पा रहे हैं। तो इस जन्म कुंडली के अंदर जहां पर 7 नंबर लिखा है ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। अब आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है, बस आपको ये देखना है कि वहां के स्वामी कौन बनते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जहां पर इस कुंडली में 7 का अंक लिखा है, इसी भाव में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मान लीजिए 1 नंबर लिखा है तो यहाँ के स्वामी कौन हुए, मंगलदेव हुए। यदि यहाँ पर 2 लिखा है तो शुक्रदेव हुए, यहाँ पे 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्यदेव, यदि 6 लिखा है तो बुधदेव, 7 लिखा है तो शुक्रदेव, 8 लिखा है तो मंगलदेव, 9 लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति, यदि 10 लिखा है तो शनिदेव, यदि 11 लिखा है तो भी शनिदेव, और यदि 12 लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बनेंगे। तो इस प्रकार से आप ये पता कर लेना कि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो कौन से ग्रह बन रहे हैं। अब आपने अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखना है कि वर्तमान समय में कौन से ग्रह की महादशा लगी हुई है और कौन से ग्रह की अंतर्दशा लगी हुई है। ये महादशा और अंतर्दशा ये भी आपको जन्म कुंडली में मिल जाएंगी, आप देख लेना। अब जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यहाँ के जो स्वामी बने आपको पता चल गया है, तो इस स्वामी ग्रह की यदि महादशा आपकी कुंडली में लगी हुई है या फिर अंतरदशा लगी हुई है तो ये विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है, ये एक उचित समय माना जाता है। ये तो हुआ पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, यदि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा लगी हुई है और अंतरदशा शुक्र ग्रह की आ जाए या फिर देव गुरु बृहस्पति की आ जाए तो ऐसे में भी विवाह होने के प्रबल योग बन जाते हैं। ये हुआ दूसरा सूत्र। अब तीसरे सूत्र की बात करते हैं, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह की महादशा या फिर देव गुरु बृहस्पति की महादशा लगी हुई है और अंतरदशा सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। अगले सूत्र की यदि हम बात करें तो जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा लगी हुई है तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति या फिर शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आ जाए तो ऐसे में भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। तो ये थे कुछ विशेष सूत्र, आप अपने जन्म कुंडली में अप्लाई करके जरूर देख लो।
यदि समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो। तो ये विशेष सूत्र मैंने आपको बताए हैं, यदि ये सूत्र आप अपने जन्म कुंडली में अप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी होने का जो प्रबल योग है वो कब बन रहा है। यदि आप मुझसे जानना चाहते हो, मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर ये जानना चाहते हो कि शादी कब होगी, कौन से परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के उपाय क्या करना चाहिए, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपनी जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर ये सारी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में वर्तमान समय में आपकी जो उम्र चली हुई है वो उम्र जरूर लिखना ताकि मैं आपकी जल्दी शादी होने की अर्जी भगवान के चरणों में लगा सकूं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।